मैं सुधांशु राठौर, मैं बेतिया से हूँ। आज बात करता हूँ यहाँ की एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ एक एक एम्बुलेंस की कीमत न जाने कितने जान, आज को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। मैं इस बेतिया की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री इसी बेतिया से आते हैं। यहाँ से सांसद जो है भाजपा के, जो बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इसी बेतिया से आते हैं। लेकिन क्या हम जानना चाहेंगे यहाँ एम्बुलेंस की स्थिति क्या है? आप देख सकते हैं ये लगभग एक एक करोड़ से लागत किसे बना हुआ है ये एम्बुलेंस, इसकी स्थिति देख सकते हैं आप। चारों तरफ से जकड़ा हुआ, हमने बात किया जो लगा हुआ है, पिछले दो सालों से यही एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग या 10-15 एम्बुलेंस जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने पिछले दो दिनों से जब हमने देखा इस बात को क्यों नहीं समझ सकती है। एक एक जान, एक एक परिवार, दुख क्या होता है आप उन परिवार से पूछिए जो कोरोना काल में एम्बुलेंस के हालात की वजह से अपना जान गंवा बैठे हैं। आप देखिए ये एम्बुलेंस सिर्फ इसमें चक्के नहीं है, 1-1 करोड़ की लागत से हमने बात किया, उन्होंने कहा इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है। एक नेता जब चुनाव लड़ता है तो लाख और करोड़ खर्च करके चुनाव की रैली में लगा देता है, लेकिन आज ये एम्बुलेंस जो यहाँ पड़े हुए हैं, 12 से 15 एम्बुलेंस जो है लगातार यहाँ पड़े हुए हैं। और बताया गया पूछताछ में उन्होंने कहा कि यहाँ से लगभग 20-25 थे, लेकिन कल के बाद से हटा दिया गया है और 2 दिन के बाद यहाँ से इन लोगों को भी घींच कर यहाँ से हटा दिया जाएगा ताकि लोग नहीं देखें। और इसलिए आज से हमारा यह वीडियो इसलिए होगा ताकि पंचायत से लेकर के प्रखंड के हर मुद्दे को उठाना हम चाहेंगे। जो हॉस्पिटल है उसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल पाता तो ठेला से लेकर के आता है, लेकिन बात ये नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं है। बताइए यहाँ 15 से 16 एम्बुलेंस जो है खड़े हैं, इसकी कोई थोड़ा थोड़ा गाँव उसमें है, चक्का नहीं है थोड़ा, लेकिन कोई जांच नहीं होता। दुख होता है जब किसी एम्बुलेंस का सवाल जब पप्पू यादव जैसे नेता जब उठाता है तो उसको जेल में कैद कर दिया जाता है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री साहब जी से है कि आप अपने सिस्टम को सुधारने के बजाय आप उस आवाज को बंद करना चाहते हैं जो सिस्टम को दिखा रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमें किसी पार्टी से किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब इंसानियत को बचाने के लिए है, हमारी लड़ाई इंसानियत को दिखाने के लिए है। आज ये एम्बुलेंस इतना 15-16 एम्बुलेंस जो खड़ा है, ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, न जाने कितने जिंदगी और मौत यहाँ पे दम तोड़ रही है। हमारा लड़ाई यहाँ पे है कि अगर एक एक एम्बुलेंस, आखिर यहाँ से सांसद विधायक जब चुनाव लड़ते हैं लाखों करोड़ों रुपए किसी अपने चुनाव रैली में खत्म कर देते हैं, लेकिन आज जब इंसानियत को बचाने की बात है तो आखिर इन एम्बुलेंसों का क्या एक विधायक एक सांसद अपने कोटे से इन एम्बुलेंस को नहीं बना सकता है? आखिर क्यों जब चुनावी रैली में लाखों करोड़ों खर्च हो जाता है? देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के लगातार ये एम्बुलेंस बेतिया में पड़े हुए हैं, बेतिया पश्चिमी चंपारण में, और यहाँ से सांसद विधायक कोई मतलब नहीं है। सभी लोग अपने जाकर रैली कर रहे हैं, सभी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे होने चाहिए कि ये जो एम्बुलेंस है इसकी हालत सुधारनी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अगर आप जब तक ये सुधार नहीं कर सकते, आपको कितने जेल भेजिएगा पप्पू यादव को, कितने पप्पू यादव को जेल भेजिएगा? अगर सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, हर बिहार के हर युवा हर छात्र आखिर इस सिस्टम को दिखाना शुरू करेगा। नीतीश कुमार जी, अगर आप में सर्व नाम की चीज बनी है, इस सिस्टम को सुधारिए यहाँ, जिससे जो लोग मर रहे हैं वो बच सके और जो आम जनता की हालत जो है देख पाइए। यहाँ से वहाँ लेकर लगभग यहाँ 30 एम्बुलेंस था, कल के जानकारी के बाद से बाकी कुछ एम्बुलेंस हटा दिया गया है और 2-4 दिन में अगर इनका भी काम नहीं हुआ तो इसे हटा दिया जाएगा। और आम जनता की जो जिंदगी जिस प्रकार से नासूर बनी है, इसका सीधा का सीधा जवाब मुख्यमंत्री साहब को देना पड़ेगा।